चल पाया। बड़ी बेटी मैं भिवाड़ी में रहती हूँ, वहाँ रहे 1 महीने, बहुत अच्छा लगा। वहाँ से आने का मन नहीं कर रहा था, बहुत रोए बहुत रोए। लेकिन छोटी बेटी यहाँ रहती कुछ दूर पर, जिसका कंपनी किसी कंपनी में काम करती है, मुझे क्या नाम है किस्मत में कंपनी का, निमराना में रहती है। उसके पास आए सुबह, उसके पास 2-3 दिन का ही टाइम दे पाए। बहुत रोती मम्मी पापा रुक जाओ, लेकिन हम लोग का रिजर्वेशन हो चुका है 3 तारीख का, हो बैठा आज हम लोग को जाना ही जाना फाइनली। तो बस हम लोग बिल्कुल तैयार हो चुके हैं जाने के लिए, और क्योंकि हम लोग को लखनऊ शादी में भी जाना है। 9 तारीख की शादी घर में, फिर लड़की की शादी है 9 की, और जो हम लोग को इन्वाइट किया गया है 7 तारीख को, जिन्हें हम लोग को बहुत बहुत खास शादी, घर की बहुत अच्छी शादी, बहुत अच्छा होटल बुक किया है हम लोग को पहले से कहा गया, और बच्चे मेरे नहीं जा पाए। मुझे बड़ा अफसोस है, क्योंकि बच्चे जब जॉब वॉब करने लगते तो उनको इतना टाइम भी नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करूँ। देखिए बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत मेहनत सुबह दिखाओ बारिश को दिखाओ बहुत। एक बारिश हो रही थी, बिल्कुल मन नहीं कर रहा, जैसे मतलब कदम नहीं आगे को बढ़ रहे हैं बिल्कुल। और कल जब हम लोग परसों आए तो मौसम बहुत ऐसा बहुत ज़्यादा गर्मी थी बिल्कुल भी, मतलब बड़ा अजीब सा मौसम था। और देखे जाने के बाद आज बड़े बैठ के इंजॉय करते, तो देखिए आज भगवान देखिए कितना अच्छा मौसम कर दिए, बहुत ही खराब लग रहा है। आने में तो बहुत अच्छा होता है, जाने में बहुत बेकार लगता है, क्या होता है। चलिए खैर, ये तो आना जाना है तो होता ही रहता है, फिर हो सकता है तो मेरी बात फिर बच्चे बुला देते हैं हम लोग, अब यही बच्चे बाहर रहते हैं तो बच्चों को कितना टाइम है नहीं, हम भी लोग आना जाना बना रहेगा। और सच में वाकई बड़ा अच्छा लगा, इतने दिन तक बिल्कुल ही पता नहीं चला, और अपने तो अपने होते हैं ये तो आप लोग जानते हैं। हम हमारे बच्चे बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत खराब लग रहा है, क्या बताऊँ। चलिए आप लोग अपना ध्यान दीजिए, तो बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बस गाड़ी आने वाली है, सारे घंटे लोग